दोस्तों नमस्कार। एपिसोड काउंसलिंग का ज्ञान मैं एमएम बल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2023 के ऑल इंडिया कोटा राउंड सेकंड का प्रोविजनल रिजल्ट कल डिक्लेयर कर दिया गया था। एक लाइव से भी मैं आपसे जुड़ा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए मुझे लगा कि आप तक बहुत ऑथेंटिक और परफेक्ट एनालिसिस जो है एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा वीडियो हाईलाइट्स 2022 और 2023 के कंपेरिजन से। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि राउंड थर्ड की कट ऑफ क्या होगी और फोर्थ राउंड मतलब स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड में जाते जाते कहां तक ये क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। ये एक डेटा एनालिसिस है, परफेक्ट प्रिडिक्शन सिर्फ डेटा के बेसिस पे ही किया जा सकता है। किसी भी तरीके की कोई जादुई बात या जादुई आंकड़ा या भविष्यवाणी की बात हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो मेरी टीम के सहयोगियों ने जो मिलकर डेटा एनालिसिस किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का जो राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड है 2022 का सबसे पहले एनालिसिस आपके सामने बच्चों है। ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट 2022-2023। तो सबसे पहले हम इसका राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और ये थर्ड राउंड और ये स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड फोर्थ राउंड जो है उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद 2023 के डेटा पे वापस आएंगे। ठीक है, तो पहले देखिए 2023 का जो डेटा है कल आपने देख ही लिया है, इसमें आपके लिए नई बात कोई भी नहीं है। एक बार मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं। यहां आप ये देखिए 19,396 फर्स्ट राउंड में रहा था और सेकंड राउंड में 22,104, 612 नंबर पर जनरल कैटेगरी के बच्चे को अलॉट हुआ है। 22,456, आप फर्क साफ साफ देख पा रहे हैं, करीब 2.5K का जो डिफरेंस है वो यहाँ आ गया है। और इसके अलावा EWS 21,591 था, अब 24,430 है, इसमें काफी अच्छा डिफरेंस जो है बच्चों आपको देखने को मिला। SC जो है इसमें 509 पे क्लोज हुआ था, 1,16,000, तो अच्छा डिफरेंस इसमें भी 16-17,000 का है। लेकिन ST ने चौंकाया, 1,41,097 और इधर आप देखेंगे 1,45,254, सिर्फ 4 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो यहाँ आया। जबकि अगर जनरल और ओबीसी EWS में भी आप देखेंगे ना तो यहाँ भी डिफरेंस जो है वो 6 मार्क्स का है। तो इसका मतलब ST में कैंडिडेट्स जो हैं उनका ये इस तरीके का सिनेरियो क्यों बना है ये भी लास्ट में बात करेंगे। आइए अब पहले चलते हैं 2022 के डेटा पे, और 2022 के डेटा से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि राउंड सेकंड के बाद जो राउंड थर्ड होने वाला है। देखिए ये 2022 का डेटा है बच्चों, फर्स्ट राउंड में 17,401 पे क्लोज हुआ था, जनरल 18,034 पे ओबीसी, 18,989 पे EWS, 89,842 पे SC और 1,23,071 पर ST। सेकंड राउंड में जब आप आए तो सेकंड राउंड में जनरल अनरिजर्व कैटेगरी 20,004 पे क्लोज हो गई है, जैसा कल आपके सामने रिजल्ट ये था, माफी चाहूंगा कल इस साल का रिजल्ट था। फिर ये ओबीसी 20,369 पर, 21,553 पर EWS, 103,376 पर SC और 131,396 पर ST। अब हम यहां जो एनालिसिस करने वाले हैं वो ये है कि पिछले साल का अगर कंपैरिजन हम देखें, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें बच्चों, तो ये ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड है जिसको हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं। और मॉपअप राउंड में देखिए क्या सीन रहा था, इस पर हम बात करने वाले हैं। यहां 20,004 और यहां आप देखिए 22,237। तो ये अब आप एनालिसिस कर सकते हैं कि 20,204 और 22,237 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 2,233, 2,233 का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर। हालांकि इस बार जो है वो मार्क्स ज्यादा है, रैंक ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स भी उस रेशियो में जो है वो इंक्रीज्ड है, ये हम कह सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो है 1,969, 1,969। EWS के केस में देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है 1,649। ठीक है, और SC के केस में डिफरेंस आ रहा है 16,017 और ST के केस में ये डिफरेंस आ रहा है 19,882, जो मुझे नहीं लगता इस बार कहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो राउंड सेकंड में और राउंड थर्ड में जो डिफरेंस है वो ये है। अब यहां से अगर हम एक एवरेज डेटा लेके चलें तो देखिए 2,000 से 2,500 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब जनरल ओबीसी और EWS 2,233 सबसे ज्यादा जनरल में डिफरेंस है। ठीक है, पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो ये भी डिफरेंस जो है वो 2,200-2,300 था, मतलब जनरल का ट्रेंड जो है वो 2,000-2,200 के आसपास सेट रहता है। नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज हुई है, ध्यान रखें आप, उसका भी इंपैक्ट इस पे डेफिनेटली आएगा। उसके बाद ओबीसी में भी आप देखें तो ये 2,000 के आसपास का डिफरेंस यहां था और ये 369 था, 22,338 जो है उस पर क्लोज हो गया, तो 2,000 के आसपास ये भी डिफरेंस था। 1,649 ये था। इस बार EWS की स्थिति काफी ठीक है,
पहले के कंपेरेटिवली जो है वो बच्चों मार्क्स और जो रैंक है उस रैंक में एक तरीके से EWS के बच्चों को बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का कंपेरिजन किया। साथ ही लगे हाथ इसी वीडियो में आप देख लीजिए स्ट्रॉ वैकेंसी राउंड में क्या स्थिति थी, 22,706 पे क्लोज हुआ था, ये 22,237, तो एक तरीके से 500-600 बच्चों को बेनिफिट हुआ था। उसके बाद देखेंगे 22,338 या 22,721, तो ये भी कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपके सामने नहीं था। इसी तरीके से ये बेनिफिट्स जो है वो आपके सामने है, मतलब स्ट्रो वैकेंसी राउंड में जाते जाते बेनिफिट ऑब्वियस से मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। अच्छा 2023 की कट ऑफ पे आते हैं, 2023 में कट ऑफ देखो ये आपके सामने है, ठीक है। तो 2023 की कट ऑफ पे अगर हम मार्क करें, जैसा मैंने आपको कहा था कि पिछले से मैं आगे वाला कंपेयर करके चलूंगा, तो पीछे से आगे वाला मैं कंपेयर अगर करता हूं और परफेक्ट डेटा एनालिसिस के साथ भी जाता हूं, जैसे पिछले में मैंने ऐड किया 2233 जनरल में, मतलब वहां जो एक डिफरेंस रहा था बच्चों वो था 2233। अगर इसी ट्रेंड के हिसाब से भी मैं चलता हूं तो आपके सामने 22,104 रैंक खुला हुआ है। मुझे लगता है ये जो है वो 23K तक क्लियर हो जाएगा, ये जो है वो 23K तक क्लियर हो जाएगा। और 23K तक राउंड थर्ड और उसके बाद में जो स्ट्रो वैकेंसी राउंड है लास्ट तक जाते जाते क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसमें ऐड भी करते हैं 2000 तो ये 24,000 के आसपास जाता है, लेकिन मैं इसको 23 to 23.5 के इसलिए लेके चल रहा हूं 23.5 के, क्योंकि जनरल की कंडीशन पिछले साल के कंपैरेटिवली थोड़ी वेरिएबल है। ओबीसी की अगर बात करूं तो जैसे ओबीसी में आपने देखा था बच्चों 1969 का डिफरेंस था, 1969 मतलब 2000 सीटों का डिफरेंस था। अगर मैं इसमें 2000 भी ऐड कर देता हूं तो ये 24,526 है। मुझे ये लगता है ये 24.5 to 25K 25,000 तक इसके क्लियर होने की पॉसिबिलिटी राउंड थर्ड में है। उसके बाद EWS पे आते हैं, EWS का डिफरेंस 1649 पिछले साल था, इस साल स्थिति ठीक है। अगर मैं उसी को भी मेंटेन रखूं, मतलब 1649 या अप्रोक्सीमेट 2000 में मान लूं, तो ये एक तरीके से 26,430 हो जाता है, तो 26K प्लस जैसा मैंने रात को भी आपको लाइव में बच्चों बताया था ये रहेगा। एससी की बात अगर मैं करूं तो एससी में देखिए पिछले साल 16,000 का करीब ये डिफरेंस आ गया था और अभी अगर देखें तो 1,16,000 पे ये है, तो मुझे लगता है कि 1,35,135K तक ये क्लियर हो जाएगा। और इधर वाला जो डिफरेंस है वो इस बार 145,254, आप देखेंगे मतलब उसमें एक दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेडेशन लगाया है, रिपोर्ट नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे जो है वो स्टेट में जो है वो भी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के पास इस बार ऑप्शन ज्यादा है। तो मुझे ये लगता है 1,45,254 इधर जो है ये जो है वो 1,55,000 तक 155K में यहां लिख रहा हूं बच्चों, यहां तक ये क्लियर होगा। तो आपके सामने मैंने वो प्रिडिक्शन लिख दिया है और ये परफेक्ट 2022 और 2023 के डेटा का एनालिसिस है। अच्छा यहां एक बात और क्लियर कर लेते हैं, आप में से किसी को ये लगे कि इसमें कौन से फैक्टर्स जो है वो इस बार की कट ऑफ में सम्मिलित होंगे, तो कुछ फैक्टर्स को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं बच्चों, सबसे पहला फैक्टर है अपग्रेडेशन। जो अपग्रेडेशन की फैसिलिटी आपको दी जा रही है, इस अपग्रेडेशन के कारण जो है वो कुछ बच्चे वेरिएबल कंपोनेंट्स में अपीयर होते हैं। स्टेट में आपने कॉलेज लिया, आपको अच्छा नहीं लगा, आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये इसके कारण आपका जो कॉलेज है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो अपने ड्रीम कॉलेज में स्थान पक्का करने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत सूझबूझ के साथ करना होगा। आप चाहें तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, वहां बात करके काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप टेक्निकल टीम से जुड़ सकते हैं, आपको हर संभव मदद मिलेगी। उसके अलावा दूसरी काम की बात नंबर ऑफ सीट्स, बच्चों नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, ये नंबर ऑफ सीट्स जैसे मैंने पिछली बार एक वीडियो किया था और आपको बताया था 65 से 70% सीट्स मैंने कहा था ऑल इंडिया कोटा के राउंड सेकंड में वैकेंट आएंगी और ये वैकेंट आई, इतनी सीटें वैकेंट आई, क्योंकि ये जो है वो बच्चे जो अपग्रेडेशन लगा रहे हैं, जो बच्चे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका सीधा सीधा सा ये इम्पैक्ट शो करता है। तो डेफिनेटली ये जो है वो इस राउंड में ट्रेंड नहीं रहेगा, इस राउंड में ये ट्रेंड काफी कम हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो इस बार सीट अलॉटमेंट में और काउंसलिंग प्रोसेस में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस, जो न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं उन नंबर ऑफ न्यू कॉलेजेस के कंपैरेटिवली जो ओल्डर कॉलेजेस हैं उन ओल्डर कॉलेजेस में बच्चों का अपना फेथ, मतलब लोग अपने आसपास कॉलेज लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, स्टेट को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर मैं स्टेट वर्सेज ऑल इंडिया कोटा या AIQ देखूं, स्टेट के साथ मैं ऑल इंडिया कोटा की अगर बच्चों बात करूं, तो ऑल इंडिया कोटा पे बच्चों का इतना फोकस जो है वो नहीं है,
स्टेट पे बच्चों का फोकस है, तो AIQ में ये स्थिति जो है वो सुधरने वाली है। इस तरीके से मुझे लगता है कि इस बार की काउंसलिंग प्रोसेस में लास्ट तक जाते जाते जो है, ये जैसे 23.5 के पे ही हमने रोक दिया है, ये मुझे पता है लास्ट तक जाते जाते जो है वो 24 के से ऊपर क्लियर होना चाहिए, लास्ट तक जाते जाते बोल रहा हूं। OBC जो है ये भी डेफिनेटली 25.5 के तक क्लियर हो जाना चाहिए। EWS जैसे मैंने कहा 26 और 26.5 तक भी जा सकता है। SC जो है वो लास्ट में 140-145 तक जा सकता है, और ST जो है वो लास्ट में 160-165 तक जा सकता है। इस तरीके से बच्चों ये आपके सामने डेटा एनालिसिस था। मैं MM बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जितनी सारी है, कैरियर काउंसलिंग है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोसेस है, और सामाजिक सरोकार के जनहित के मुद्दों और ज्वलंत मुद्दों पर अपनी प्रखर और मुखर आवाज को बनाए रखने के लिए आप अभिव्यक्ति के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।